हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं तनप्रीत एक बार फिर से हाजिर हूँ नए मुहावरे की कहावत की आपको बातें बताने के लिए। वही मुहावरे जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका मतलब असली तरीके से जैसे यूज करना है वैसे समझ नहीं पाते। तो आज का जो मुहावरा है वो है करेला, वो भी नीम चढ़ा हुआ। अक्सर ऐसा क्यों बोला जाता है, चलिए आपको बताते हैं। तो वैसे दोस्तों, ये जो कहावत है करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, इसके पीछे कोई लॉजिकल कहानी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर कहानी नहीं है, लेकिन इसे आप कई तरीके से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं, एक छोटी सी एक स्टोरी ही आप समझ लीजिए, उसके वे मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसको बहुत डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ के लिए उसको डॉक्टर वैद्य के पास वो जाते हैं। तो जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करनी है जो कड़वी हो टेस्ट में, क्योंकि डायबिटीज़ का सबसे बेस्ट इलाज होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कड़वी है। तो वो सोच में पड़ता है, वो कहता है करेला खाऊं, तो वैद्य जी बोलते हैं बेस्ट। अब वो करेला खाता है तो उसे बहुत कड़वा लगता है, वो वैद्य जी के पास जाता है, कहता है ये करेला तो बहुत कड़वा है, मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो वैद्य जी उसे कहते हैं कि खाना तो यही पड़ेगा, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा तरकीबें लगाता है, करेले में नमक लगा के रात भर छोड़ देता है, धोता है, छीलता है और फिर खाता है, तो उसे कड़वा नहीं लगता। लेकिन इससे क्या होता है, उसकी जो डायबिटीज़ होती है वो ठीक नहीं होती। वो कुछ दिनों बाद फिर जाता है वैद्य के पास, तो वैद्य को बताता है कि मैंने इस तरीके से करेला खाया। तो वैद्य फिर उसे कहते हैं कि करेले का अगर कड़वापन तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा तो तुम्हारी जो डायबिटीज़ है वो ठीक नहीं होगी। फिर वो धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करने लगता है और कड़वा करेला खाने लगता है। एक दिन उसे कोई राह चलते एक उसका दोस्त मिल जाता है, वो बोलता है कि यार मुझे ना डायबिटीज़ है, लेकिन मैं अपना ध्यान जो है वो बहुत अच्छे से रख रहा हूँ। तो जो दोस्त रहता है वो पूछता है कैसे, मैं भी करेला खाता हूँ डायबिटीज़ के लिए। बोले मैं वो वाला करेला खाता हूँ जो नीम के पेड़ के ऊपर जो बेल लगी है उसके ऊपर। तो वो व्यक्ति कहता है करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ। यहाँ से ये जो है कहावत उठी, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है और उठा करके हम दूसरी प्रॉब्लम उस चीज़ पर डाल दें, जैसे करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, यानी कि वो ऑलरेडी कड़वा है और उस पर हम डबल कड़वाहट डाल दें। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर किसी चीज़ का दोष लगा हो और उस दोषी व्यक्ति की किस्मत इतनी ख़राब हो कि उस पर किसी और का भी दोष लग जाए अगर, या किसी और गलती का दोष उस पर लग जाए, तब भी ऐसा बोला जाता है कि ऑलरेडी एक तो दोषी था, अब ये भी गलती इसके ऊपर आ गई, यानी कि करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, मतलब इतना ज़्यादा। तीसरे कंटेक्स्ट के वे में अगर आपको यूज़ करना है तो आप बुरी संगत के वे में यूज़ कर सकते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी संगति खराब है और उस वजह से वो व्यक्ति जो है वो खुद भी उसकी आदतें खराब हो रही है, तो जब उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे तब ऐसा बोलते हैं कि एक तो इस खुद भी इसकी आदतें खराब है, ऊपर से जो इसने संगति चूज़ की वो भी इतनी ज़्यादा बेकार है, करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, यानी कि डबल कड़वाहट। तो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसका मायने क्या रखता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, वो हम भूल जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ कैसे आप तीन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, जब आपको बात करनी हो या किसी को उसके बारे में कहावत के ज़रिए बताना हो तो ऐसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुहावरा अगली बार जब आप यूज़ करें तो इस कहानी को, इस बातों को ज़रूर याद रखें। तो मैं फिर तनप्रीत हाजिर होंगी एक नए मुहावरे कहावत की कहानी के साथ और आपको बताऊंगी मॉरल ऑफ द स्टोरी उसकी क्या है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होंगी। बाय बाय।